नमस्कार मु स्वागत करुछि आम कार्यक्रम ट्विन्स डॉक्टर्स टिप्स को मु डॉक्टर सीतांशु मिश्र मु डॉक्टर सुभ्रांशु आज कार्यक्रम रे आम देखिबा शीतदिनिया त्वचा फाटिबा एवं आमर गोईठी फटा बा पाद फाटिबा समस्यार केमिति घर उपचार एवं जत्न नहीं पारिबा प्रथमे देखिबा आम तार कारण कौन कौन हो पारे तार कारण आम कौन पई सुखिला चर्म बा फटा एड़ी फटा सेगुडा कौन पई हुए आगे आम से चर्चा करिबा प्रथमे तार कारण हो पारे जे शीतदिने ड्राई एयर ड्राई रहे तो ह्यूमिडिटी आर्द्रता ठंडा बढ़ी जाए ठंडा बढ़ी जाए आर्द्रता कमी जाए से पारे द्वितीय तो शीत दिन साबुन बहुत व्यवहार होती हो पारे तृतीय कथा हूँ आम के विटामिन आवश्यकता थाए खाद्य सेगुड़ा मिले भी हो पारे बहुत समय ठिया हेले बहुत समय ठिया हेले बाहर खाली पादरे चलिले कि चप्पल भी बड़ चप्पल व्यवहार कले घसी तादरा भी हो पारे जदि से सब कारण हो पार कि जनरली एगुड़ा समस्त घरे आ सर्वत्र शीत दिन यहाँ गोटे कमन कम्प्लेन जे पाद फटा बा देह फटा बा ओठ फटा बा स्किन ड्राइनेस ऑफ स्किन यहाँ गोटे कमन कम्प्लेन तादरा कौन लक्षण आसे जदि ओठ फाटी थाए ओठरे टिके कष्ट हुए तापरे पोड़ा जला टिके हो पारे पाद कष्ट हुए तापरे आमर गहुणी एगुड़ा सब जदि सुखिला चर्म रहे ताले कुंडे भी हो पारे कुंडे हुए ना बहुत समय कुंडे हुए पेन हुए और बेले बेले तो अधिका हेले सेटा जदि रोगटा बढ़ी जाए ताले हमर ब्लीडिंग भी हुए फाटी की फटाफटा चिन्ह है कि ताले रु ब्लीडिंग भी हुए देखंतु हमर जदि से फटा माने पाद फटा हो बा देह रे जदि सेमती अत्यधिक ड्राइनेस हेला और फटा हेला ताले प्रथमे आमे कोन करिबा केमिति से जागाटा को आमे केमिति सॉफ्ट करिबा कारण से फाटे कहीं कारण जो हार्ड हो जाए स्क्रीनटा तादेहरे स्किन मध्य आर्द्रता बा मॉइस्चर जदि कमी जाए ताले सेटा हार्ड हो कि आमर फाटे तेणु आमे कोन करिबा जे आमे ताकू से पाद को बा अन्य जगह जदि बेसी फाटिला जनरली आमर पाद फटाटा सबठू अधिक आउ स्त्री लोक मानकर तो बहुत बेसी जो माने खाली पादरे चलंती तांकर भी तो बहुत बेसी हुए आमे गरम पानी रे ताकू बुड़े के रखिबा 10-15 मिनट पे गरम पानी रे बुड़े के रखिले तापरे टिके ल्यूक्वार्म वाटर माने साधारणत नखोसुम पानी रे आमे 20 मिनिट खंडे ताकू बुड़े के रखिबा से खाली पानी हो बा आमे जदि आहुरी भलो हो जदि आमे टिके सोपी वाटर बा आमे साबुन पानी रे जदि आमे पाद बुड़े के रखिबा ताले निश्चित भाव से नरम करदेव अच्छा बेले बेले आम दरकार करे छोट पत्थर हो घरे रखि था पत्थर रे घसी की टिके तार आग जो एक्सफोलिएटेड स्किन आग आम पाद बुड़े थंडा पानी माने जो सोपी वाटर आम कोकोनट ऑयल भी गोटे बाथ नेला भाया कोकोनट ऑयल रखिकी तादेहरे भी पाद बुड़े बुड़े कि रखिपर विनेगार रे कहीं विनेगार रे भी आम टे विनेगार पा सहित मिसेकी ताकू भी आम रखिपर लेंबू टिके निश्चित भाव सेटा कले कौन हम से आस्ते आस्ते आम पादा को कौन कर सफ्ट करदे से जो जगह गुड़ाक जो भाई कहले सेटा एक्सफोलिएट बाटा एम बाहर की रही जो मानने पार्ट गुड़ा आम टे बाहर की आसो से गुड़ाक आम स्टोन बा स्क्रबर यूज करकेगढ़ घसिकी आगे काटदे कौन करवा आम कौन उपाय करवा जोद्वारा से हेनी आम कौन आप्लाय करें गोटे देखते सबुठ आम घर आभेलेबुल आ सब सहज उपाय है प्रथम आम नड़िया तेल सब आभेलेबुल अच्छे आम नड़िया तेल को आगे लगे भल भाव दिन को तीन चार थर आम आप्लाय कर नड़िया तेल लगे पार सब बढ़िया जिनस हनी भी आम लगे पार नेचुरल सेटा गोटे मॉइश्चराइजर तापर आम कौन कर गोटे कथा अच्छे आम पेट्रोलियम जेली आमर वेसलिन हो बढ़िया सेटा अवेलेबल सबुठी होउची सेटा आम लगे पार रात शोला बेल को लगे सका पुणी पोछी नवा पुणी जदि हम आउ थे अप्लाई करा सहित आम इवन अन्य वेजिटेबल ऑयल जहाँ रही आम अप्लाय करता देखा आउ गोटे आम अप्लाय कला बेलू गोटे कथा कि चिंता करवा जे आम जो दिन व्यवहार करुचे से दिन साबुन व्यवहार कम करवा है कि तापर आम रहा खाद्य सार कौन खाद्य सार हेले आम से अवॉइड कर पारिया देखंतु आम जदि विटामिन ई के कई डाक्तर भी डाक्तर पाखक गले विटामिन ई दियंती तो आम विटामिन ई थिबा खाद्य केते टमाटो हो तापर चेरी हो एगुडा एमती केते फल केते खाई पारिबा जो द्वारा बेटर हवा बहुत पानी पीवा ना भाई एटा गोटे बड़ कथा आमर पानी जिते अधिक पीबे चर्म से चिकण आ
ସତେଜ ଆଉ ତେଜ ବାହାରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ଶୁଖିଲାପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିବ କମିବ ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆଉ ଆମେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଓଟ୍ସ ଅଛି, ଓଟ୍ସକୁ ତେଲରେ ମିଶାଇକି ତା'ର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିକି ତା ବି ପାଦରେ ଲଗାଇପାରିବା ରାତିରେ ଲଗାଇକି ସକାଳେ ଧୋଇବା, ସେଇଟା ବହୁତ କିଛି ସେଇଟା ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ପାଦକୁ ସଫ୍ଟ ରଖିବା ଆଉ ତା ସହିତ କେମିତି ତାକୁ ବେଳେବେଳେ କେତେଟା ଆଲର୍ଜେନ୍ ମାନେ ଆମେ କେତେଟା ଖାଦ୍ୟରେ ବି ଆମର ବେଳେବେଳେ ସ୍କିନ୍ ଡ୍ରାଇନେସ୍ ଆସେ, କାରକାର ଅଣ୍ଡା ହଉ କେତେଟା ଖାଦ୍ୟକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଜଗିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଦଫଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଲା ବା ତା ଦେହରୁ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କେତେ ରୋଗ ଆମର ସୋରିଆସିସ୍ ହଉ ବା ଡର୍ମାଟାଇଟିସ୍ ହଉ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଚର୍ମ ରୋଗ ଥାଇପାରେ, ତ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ତ ଶୁଣିଲେ ଆମର ଶୀତଜନିତ ଯେଉଁ ତ୍ୱଚା ଫାଟିବା ଏବଂ ତା'ର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବା। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କ୍ୱେରିଜ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦରକାର, ତେବେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ 8847876626। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ନେଉଛି 8847876626। କୌଣସି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଥିଲେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏତିକି, ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।